हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग कंपैरेटर फंक्शन सीखेंगे। आपको पता है कि एल्गोरिथम्स में एक फंक्शन होता है जिसको हम सॉर्ट कहते हैं, और जो सॉर्ट फंक्शन है उसका काम ये होता है कि वो या तो एरे या तो वेक्टर के नंबर्स को सॉर्ट करने का काम करता है अप टू द गिवन रेंज। सो सॉर्ट फंक्शन में यूजली दो पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम वेक्टर के साथ सॉर्टिंग कर रहे हैं, सो इट विल बी वी डॉट बिगिन विच इज द फर्स्ट आइटरेटर एंड विच इज द एंड आइटरेटर दैट इज वी डॉट एंड। ये जो सॉर्ट फंक्शन है वो हमारे गिवन नंबर्स को असेंडिंग सीक्वेंस में बाई डिफॉल्ट सॉर्ट कर देता है। तो आइए इसको हम सबसे पहले ये टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद फिर हम कंपैरेटर फंक्शंस देखेंगे। सो वी हैव दिस प्रोग्राम, अ वेरी सिंपल प्रोग्राम जिसमें हमने आईओ स्ट्रीम वेक्टर और एल्गोरिथम को इंक्लूड करा लिया है। एल्गोरिथम हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें सॉर्ट फंक्शन का यूज करना है। एंड देन मेन में हमने एक वेक्टर डिक्लेयर किया है और इस वेक्टर में कुछ नंबर्स को पुश करा लिया है। अब मुझे इन नंबर्स को सॉर्ट करना है। सो सॉर्ट करने के लिए मैं सॉर्ट फंक्शन का यूज करूंगा। आई एम हियर अप्लाइंग वी डॉट बिगिन एंड वी डॉट एंड। सो ये क्या करेगा, इन नंबर्स को सॉर्ट कर देगा। जो सॉर्टेड नंबर्स हैं उनको अगर हमें डिस्प्ले कराना है, सो आई कैन यूज फॉर ऑटो आई इन वी सी आउट आई। सो आफ्टर प्रिंटिंग वन नंबर हम इसमें स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि हम सेग्रीगेट कर पाए कि हमारे नंबर सही हैं कि नहीं। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं। सो यू कैन सी कि जो नंबर्स हमारे हैं वो असेंडिंग सीक्वेंस में आ रहे हैं। नाउ अगर हमें नंबर्स को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफॉल्ट तो ये सॉर्टेड ऑर्डर असेंडिंग है, लेकिन अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहेंगे तो उस केस में हमें कंपैरेटर फंक्शन लिखना होगा। तो ये सबसे पहले हम कंपैरेटर फंक्शन को यहाँ पे जानते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसमें तीसरा पैरामीटर में एक सीएमपी डाल देते हैं जो कि कंपैरेटर फंक्शन होगा, और इसको हम डिफाइन करेंगे। तो कंपैरेटर फंक्शन को डिफाइन करने का क्या मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सॉर्टेड एरे है, तो अगर दो नंबर्स एक्स और वाई है तो सॉर्टेड एरे में ऐसा होना चाहिए कि एक्स छोटा होना चाहिए वाई से। तो अगर दो नंबर्स एक्स और वाई गिवन है और अगर एक्स लेस देन वाई है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर सही है, तो इस केस में हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। यही हमारा कंपैरेटर फंक्शन होगा। तो कंपैरेटर फंक्शन को लिखने के लिए हम लिखते हैं स्टैटिक बूल, इसका रिटर्न टाइप ट्रू या फॉल्स होगा। तो ट्रू या फॉल्स बूल टाइप की वैल्यूज होती है। सो दिस इज कंपैरेटर फंक्शन। इनसाइड दिस आई एम पासिंग टू पैरामीटर्स, लेट्स से एक्स एंड वाई, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि अगर एक्स इज लेस देन वाई सो रिटर्न ट्रू, else returns false. So, आइए अब इसके बाद, क्योंकि हमने पहले दो पैरामीटर ही रखा था, अब हमने तीन पैरामीटर कंपैरेटर को भी रख लिया, इसके बाद रन करके देखते हैं। यू कैन सी कि नंबर्स वही आ रहे हैं असेंडिंग सीक्वेंस में, लेकिन अगर आपको इसका ऑर्डर चेंज करना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो, तो कंपैरेटर फंक्शन में थोड़ा सा हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे ये करना होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो अगर एक्स बड़ा है वाई से तो हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिसेंडिंग सीक्वेंस वाला एरे है तो पहला नंबर दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। सो इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे नंबर डिसेंडिंग सीक्वेंस में सॉर्ट हो गए हैं। नाउ हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और कॉम्बिनेशंस लेते हैं जिसमें कि हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे। लेट्स से कि मेरे पास एक असेंडिंग सीक्वेंस में सॉर्ट करने वाला एक्स लेस देन हमने कंपैरेटर फंक्शन लिख लिया है, तो अब इसके बाद कुछ नंबर्स को हम इसमें से निगेटिव बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल -3, -13, -7 और -12। अब अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे तो निगेटिव नंबर्स पहले आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स बाद में आएंगे। यू कैन सी दिस नाउ, इसमें -13 सबसे छोटा नंबर है, -12 उससे बड़ा है, एंड 14 सबसे बड़ा नंबर है। तो ये असेंडिंग सीक्वेंस में अरेंज हो गए। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं उनको हम इनके एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से अरेंज करें, तो उस केस में हम कंपैरेटर फंक्शन लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर -13 और -13 एक नंबर है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 13 होगी, तो इसको 14 से जस्ट पहले आना चाहिए। तो अब हम सॉर्टिंग इस तरह से करना चाहते हैं कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें बूल कंपैरेटर फंक्शन में जाना है और यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई की बात करते हैं। सो इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, इसको हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इस तरह से
ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करेगा एंड नाउ यू कैन सी कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से सॉल्व हो गया है। सो 2 -3 6 -7 8 9 -12 -13 एंड 14, दिस इज द असेंडिंग सीक्वेंस। इसके बाद मान लेते हैं कि हमें जो सॉर्टिंग करनी है वो इस तरह से करनी है कि हमारे पास कुछ इवन और ऑड नंबर्स गिवन है। लेट्स से हमने इसमें से नेगेटिव साइन हटा दिया इस इनपुट में से, और इसमें हम ये चाहते हैं कि जो इवन नंबर्स हैं वो पहले आए असेंडिंग सीक्वेंस में और जो ऑड नंबर्स हैं वो बाद में आए असेंडिंग सीक्वेंस में। तो अगर हमें ऐसा करना है तो हमें सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे कि किस किस तरह के कॉम्बिनेशन इसमें पॉसिबल हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो लेट्स से एक्स इज द फर्स्ट नंबर एंड वाई इज द सेकेंड नंबर। तो पहला नंबर इवन होगा और अगर दूसरा नंबर ऑड है। हमने अभी यहाँ पे क्या कंडीशन रखी कि पहले इवन नंबर्स आने चाहिए देन ऑड नंबर आने चाहिए। तो अगर पहला नंबर इवन है और दूसरा नंबर ऑड है तो हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्योंकि ऑर्डर सही है। अगर पहला नंबर ऑड है और दूसरा नंबर इवन है तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए क्योंकि पहले इवन नंबर आना चाहिए देन बाद में फॉल्स देन ऑड आना चाहिए। इसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास इवन और इवन नंबर है। तो अगर इवन और इवन नंबर है मतलब एक्स भी इवन है और वाई भी इवन है तो हम सिंपल सा क्या फंडा लगाएंगे कि अगर एक्स लेस देन वाई है तो ट्रू अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास ऑड नंबर है और ऑड नंबर है तो कैसा इसका अरेंजमेंट होना चाहिए कि अगर एक्स छोटा है वाई से तो ये सही ऑर्डर है, इसका मतलब इसका इसमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो यही चार हमारी कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग हम आइए अपने कंपैरेटर फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। तो दिस इज दी कंपैरेटर फंक्शन, और इस कंपैरेटर फंक्शन में मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। जैसे कि हमने एक्स लेस देन वाई इज इक्वल्स टू टू अगर है तो हम रिटर्न ट्रू करते थे अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करते थे। वी कैन राइट द सेम थिंग इन सिंगल लाइन, कैसे लिख सकते हैं, जस्ट सिंपली रिटर्न एक्स लेस देन वाई। ये एक कंपेरिजन है बिटवीन द एक्स एंड द वाई। इसका मतलब क्या है कि कंपेरिजन ऑपरेटर हमने लगाया है, इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो अगर ये ट्रू आता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे और अगर ये फॉल्स आता है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इसको हम यूटिलाइज करते हैं, इससे हमारा जो 4 लाइन का कोड था वो सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले सारे केसेस लिख लेते हैं जो हमारे पास ये केसेस हैं। तो द फर्स्ट केस इज इवन ऑड केस, सेकेंड केस इज ऑड इवन केस, थर्ड केस इज इवन इवन केस एंड लास्ट केस इज ऑड ऑड केस। इसी के हिसाब से हम लिखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर दोनों नंबर इवन है, तो आपको पता है कि इवन आप कैसे चेक करते हैं, अगर एक्स मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा नंबर ऑड है इसका मतलब कि वाई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा केस है हम क्या रिटर्न करें, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है। दूसरा केस ये है कि पहला नंबर ऑड है और दूसरा नंबर इवन है, तो ये इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। लेट्स यूटिलाइज द कॉपी पेस्ट फीचर हियर। सो इफ एक्स मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि पहला नंबर ऑड है और दूसरा नंबर इवन है, इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तीसरा केस ये कह रहा है कि अगर दोनों नंबर इवन इवन है, तो अगर पहला नंबर इवन है इसका मतलब एक्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा नंबर भी इवन है इसका मतलब वाई मॉड 2 इज इक्वल टू 0, इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, अगर एक्स छोटा है वाई से तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अभी भी जो हमने सीखा था शॉर्टकट उसी को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई केस नहीं है तो क्या होगा, इसमें से अगर कोई केस नहीं इसका मतलब कि जो एक्स नंबर है वो भी ऑड है और वाई नंबर भी ऑड है। तो हमने यहाँ पे ये सीखा है कि अगर एक्स नंबर भी ऑड है और वाई नंबर ऑड है तो उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा एक्स और वाई का, एक्स एक्स और वाई को हम चेक करेंगे। अगर एक्स छोटा है वाई से तो अगर एक्स छोटा है वाई से तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। सो सेम चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर एक्स मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इस केस में हम रिटर्न करेंगे एक्स लेस देन वाई। फाइन, तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो यू कैन चेक कि स्टार्टिंग में जो नंबर्स आ रहे हैं 2 6 8 12 एंड 14, ये इवन नंबर है असेंडिंग सीक्वेंस में, देन इसके बाद ऑड नंबर्स हैं असेंडिंग सीक्वेंस में। मान लीजिए कि हमें ऐसा करना है कि जो इवन नंबर्स हैं वो असेंडिंग सीक्वेंस में आए और जो ऑड नंबर्स हैं वो डिसेंडिंग सीक्वेंस में आए, तो उसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए कंडीशंस को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसको मान रहे हैं कि कंडीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहां तक तो सब सही है,
लेकिन ये जो चौथी कंडीशन है जो कह रहा है कि ऑड ऑड के केस में असेंडिंग सीक्वेंस हमारा सॉर्टिंग हो रही थी, इसको हमें डिसेंडिंग में करना है। तो सिंपली इसमें एक्स लेस देन वाई को मैं एक्स ग्रेटर देन वाई में कन्वर्ट कर दूंगा। सो दैट्स ऑल, हमें एक छोटा सा चेंज करना है इसमें। तो लेट्स डू अ स्मॉल चेंज। ये जो चौथा केस है, जो ऑड ऑड वाला केस है, इसमें एक्स ग्रेटर देन वाई को रिटर्न करा दीजिए। इसका मतलब है कि एक्स अगर बड़ा है वाई से तो ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। सो यू कैन सी यहाँ पे 2, 6, 8, 12, 14 असेंडिंग सीक्वेंस में, एंड देन 13, 9, 7 और 3 डिसेंडिंग सीक्वेंस में। सो दिस वे वी वर एबल टू सी द कंपैरेटर फंक्शन। और नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे जो कि इसको यूटिलाइज करेगा, इस कॉन्सेप्ट को, कंपैरेटर फंक्शन के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।